नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नराने। एक बार फिर रुक करेंगे इस खास चर्चा का, जिसमें अलग अलग विधानसभा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते हैं और उनके विधानसभा के क्या हालात हैं ये हमें बताते हैं। तो आज फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कुशीनगर और लखनऊ के हालात, वहां पर किस तरह का चुनावी माहौल है, वहां की जनता क्या कुछ सोच रही है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। आपको बता दें कि अब बेहद ही कम समय बचा है चुनाव को लेकर। मतदान 7 चरणों में होना है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन अभी सियासी पारा जो है वो बेहद हाई नजर आ रहा है। तो पहले तस्वीरें देखिए लखनऊ की और कुशीनगर की, उसके बाद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि वहां के माहौल कैसे हैं। तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके बाद कुशीनगर की तस्वीरें भी आप देखेंगे। अगर लखनऊ की हम बात करें तो प्रदेश की राजधानी है, अगर यहाँ विकास नहीं हुआ तो इसका मतलब कि प्रदेश विकास की गति में बहुत धीरे चल रहा है। तो लखनऊ में कैसे हालात हैं, लखनऊ में किस तरह का चुनावी माहौल है ये हम जानेंगे। दूसरी तस्वीरें आप कुशीनगर की देख रहे हैं, कुशीनगर में आम जनता क्या सोच रही है, नौजवान क्या सोच रहे हैं ये भी हम जानेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है लेकिन जो सियासी गर्मियाँ हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। समय बेहद कम है, हर एक पार्टी पूरा दमखम दिखा रही है कि कैसे आम जनता तक पहुंचा जाए और कैसे लुभावने वादे उनसे किए जाएं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या फिर अन्य दल हो, हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि हम जनता के बीच पहुंचे और जनता के मन में क्या है ये टटोलने की कोशिश करें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीनी मिल हैं जो बंद पड़ी हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हैं, जिससे जो आम व्यक्ति है वो नाराज़ कहीं ना कहीं नज़र आता है। किसानों की अगर हम बात करें तो किसान भी नाराज़ हैं, लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो हैं वो हर विधानसभा से देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए अपने सहयोगियों का हम रुख करेंगे। लखनऊ से हिमांशु मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं कुशीनगर से संतोष। सबसे पहले लखनऊ का हम रुख करेंगे। हिमांशु, लखनऊ में चुनावी माहौल कैसा है सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी बिगुल के बाद भी अभी भी चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जुड़ी हुई है, बढ़ रही, लगातार बरकरार। सभी पार्टियों में अपने अपने प्रत्याशी को उतारने के लिए, अपने अपनी सोच को उतारने के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए बरकरार है। लेकिन अगर एक महत्वपूर्ण सवाल होता है, अगर हम बीजेपी की तरफ से बात की जाए, राजधानी लखनऊ है और अभी तक बीजेपी ने कोई भी अपनी प्रत्याशी को निर्धारित नहीं किया है, किसी भी विधानसभा से कोई भी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। लगातार प्रत्याशियों के बीच में चर्चा हो रही है, मीटिंगें हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा चेहरा जिसको चुनाव लड़ाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि किसको चुनाव लड़वाती है, किसका चेहरा क्लियर करती है बीजेपी। बिल्कुल हिमांशु, अगर लखनऊ की हम बात करें तो प्रदेश की राजधानी है, विकसित है, लेकिन आम जनता क्या इसे समझ पा रही है? बिल्कुल, अगर कहीं ना कहीं हम बात की जाए बख्शीसराय विधानसभा की, तो बख्शीसराय विधानसभा से पूर्व विधायक जो इस समय वर्तमान में है वो भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के अविनाश त्रिवेदी है। लेकिन पूर्व में भी इनके खिलाफ कई लोग असमंजस हैं, लोगों के अंदर इनकी छवि धूमिल हो चुकी है। एक बीजेपी के एक बड़ा सवाल है कि एक बड़ा चेहरा उतारना होगा, क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी परसों ही नामांकन किया है, ललन कुमार ने, खैर उनकी भी छवि काफी अच्छी बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किसको चेहरा उतारती है और किस तरह से चुनाव लड़ता है और कौन विजय हासिल करता है। देखिए हिमांशु, अगर फील्ड पर निकले, फील्ड पर जैसे आप निकलते हैं या जब भी हम फील्ड पर जाते हैं तो कैसा माहौल है ये कहीं ना कहीं समझ पाना बेहद आसान हो जाता है। देखिए लखनऊ में कैसा माहौल है ये मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, आम जनता क्या इन 5 सालों से खुश है ये मैं जानने की आपसे कोशिश कर रही हूँ, और अगर खुश नहीं है तो क्या वजह है आम जनता के बीच? कुछ हद तक आम जनता कुछ इसलिए नहीं, क्योंकि जिस तरह कोविड का दौर आया है लोगों की काफी बेरोजगार हो गए, साथ ही साथ विकास की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सड़कें अभी तक नहीं बनी है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है, रोड सड़कें टूटी पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं विकास बहुत पीछे छूट गया राजधानी से। अगर हम कहीं बात की जाए सरोजिनी नगर विधानसभा की, तो वहां पे काफी हद तक सड़कें अभी भी खराब है। वहीं पर स्वाति सिंह जो वर्तमान मंत्री भी रही हुई है, उनके पति
अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके पति दयाशंकर जी को टिकट दिया जाएगा और इसमें एक चुनावी बहुत घमासान युद्ध होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारे, तो लोगों में भी असमंजस बना हुआ है कि किस क्या होता है। लेकिन अगर राजधानी की बात की है तो विकास कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, लोगों में विकास को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, जो भी विकास की बात कहेगा उसी के साथ होकर के चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पिछले 5 सालों से तो हम लगातार सुन रहे हैं कि बीजेपी ये कहती है कि हमने बहुत विकास किया है और आप कह रहे हैं कि राजधानी में विकास नहीं हुआ है। अगर राजधानी में ही विकास नहीं हुआ है तो बाकी जिलों के हालात कैसे होंगे? बिल्कुल विकास कहा जा रहा है, लेकिन ये विकास सिर्फ कागजों पर दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने वादे कर रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन ये सब सिर्फ कागजी कार्रवाई में होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं सड़कों की हालत बहुत ज्यादा, सड़कें गड्ढा मुक्त जगह गड्ढा युक्त होती चली जा रही है, जगह जगह पर गड्ढे हैं और कई एक बड़े से बड़े हादसा होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं विकास बहुत पीछे हो चुका है। अब देखना होगा कि इस बार जनता किसको चुनती है, अपना उम्मीदवार किसको बना करके मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है। देखिए मानसो, इन दिनों महंगाई जो है वो चरम पर है और तमाम तस्वीरें लखनऊ से भी हमारे सामने आती रहती है। अलग अलग मुद्दों को लेकर आम जनता सड़कों पर उतरती है, कई बार ऐसे होते हैं कि आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, तो इस बार जनता ने क्या मन बनाया है? क्या एक बार फिर से बीजेपी को मौका देना चाहती है या फिर बदलाव इस बार चाहिए? बेरोजगारी को लेकर के, बेरोजगारी विकास जरूरी है, क्योंकि जनता आजकल विकास के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी लगातार फ्री राशन तेल और ये सब तो वितरण कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विकास की बात की जाए तो विकास नहीं हो पा रहा क्षेत्रों में। कागजी कार्रवाई में तो विकास काफी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे वाकई में माना गया है तो विकास नहीं हो रहा है। अगर आप चाहे आप गोमती सफाई की बात करें तो गोमती जल कुंभी से भरी हुई है, कहीं ना कहीं कई बार सफाई के लिए पैसा पास हुआ है, लेकिन सफाई कहीं भी अभी तक नहीं नजर आएगी। तो जनता के लिए विकास और रोजगार, ये दोनों ही बहुत अहम मुद्दे होंगे इस बार विधानसभा चुनाव के लिए। रोजगार की आप जिक्र कर रहे हैं, नौजवान जो पहली बार इस बार वोट करेगा उनके मन में क्या है? हिमांशु, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो हिमांशु तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसा कि अभी बताया उन्होंने कि प्रदेश की राजधानी है, उसके बावजूद भी विकास सिर्फ कागजों पर हुआ है, लखनऊ में विकास दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि राजधानी में अगर विकास नहीं हुआ है तो फिर किस विकास की बात यहां पर बीजेपी करती है? और विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो वो मुद्दों को हम समझने की अगर कोशिश करें तो क्या विपक्ष उस पर काम करेगा? जनता आंख मूंद कर किस पर विश्वास करे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता के सामने अब विकल्प यही है कि या तो एक बार फिर से उनके पास ये है कि वो बीजेपी को चुने या फिर पूरी तरह से बदलाव लेकर आए। हिमांशु लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, लखनऊ, क्योंकि अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो वो पूरी तरह से विकसित नजर आते हैं देखने में, सड़कें भी ठीक ठाक है, ग्रामीण इलाकों में ऐसे हालात नहीं है। देखिए प्रदेश की राजधानी है तो ऐसे में महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होंगी। बिल्कुल, लेकिन ग्रामीण कहीं ना कहीं ग्रामीण में एकदम विकास कोसों दूर चला गया है, ग्रामीण में विकास नहीं है। जहां तक बात की जाए गाँव की, अगर गाँव में तो सड़कें तक नहीं बनी है। कहीं ना कहीं इस बार भाजपा सरकार में कहीं ना खंभे और लाइट की व्यवस्था जरूर की गई, लेकिन सड़कें रोड अभी तक हालत बदतर होती चली जा रही है, वहां की अभी भी हालत नहीं सुधरी है, उम्मीद लगाई जा रही है। हिमांशु, देखिए सड़कों की बात हमने बहुत कर ली, देखिए हर सिर्फ मुद्दा सड़क नहीं है कि सड़क नहीं बनी है, मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, या फिर महिलाओं की सुरक्षा हो, या फिर उद्योग हो, या फिर व्यवसाय हो, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव होने जा रहा है। किसानों का मुद्दा है, तो इन मुद्दों को लेकर आप बताइए ना, इन मुद्दों को लेकर क्या हालात है लखनऊ में? जी रोजगार भी कहीं ना कहीं कमोगे, अगर उद्योग की बात की जाए तो लोगों के हाथ से उद्योग काफी हद तक चले गए, और साथ ही साथ अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा आप देख रहे हैं कोविड के बाद लगातार ऑनलाइन क्लासेस हो रही, तो कहीं ना कहीं शिक्षा पिछड़ती चली जा रही। वहीं अगर बात की जाए स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में देखिए आप प्राइवेट स्तर के जो डॉक्टर है वो लगातार अपना क्लिनिक खोल रहे हैं कोविड के दौर में, लेकिन अगर सरकारी सुविधाओं की बात करें तो सरकारी सुविधाओं में 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट कराओ, फिर RT-PCR, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जांच होकर के लोगों को दिखाने को मिल रहा है। कहीं ना स्वास्थ्य
सेवा भी बिगड़ती चली जा रही, क्योंकि इस बार कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो बेरोजगार है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों का, उनको रोजगार, स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए काफी उनको पैदल चलना पड़ता है, कहीं साधन नहीं मिल पाते हैं, हॉस्पिटल हो चुकी है लोगों की, तो स्वास्थ्य लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को सही किया जाए और लोगों को आसानी से इलाज मिल सके। हिमांशु, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है मेरे तक, तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ में किस तरह का विकास हुआ है। जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है। देखिए, शहरी इलाकों में तो फिर भी हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। रोजगार को लेकर नौजवान परेशान है, शिक्षा को लेकर, क्योंकि इस कोविड काल में ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि उसका फ़ायदा जो है वो आम जनता को नहीं हुआ है। एक बार फिर मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अगर व्यवसायों की अगर हम बात करें तो जो व्यवसायी हैं क्या वो खुश हैं, जो रेहड़ी पट्टी लगाने वाले लोग हैं? तो कुशीनगर और लखनऊ के हालात हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब समय कम है। अब आम जनता ने मन बना लिया है कि वो किसको गद्दी पर बिठाएगी और किसको नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो तस्वीर भी अब धीरे धीरे साफ हो रही है। सीधी टक्कर, जितने भी विधानसभाओं में हम बात करते हैं तो सीधी टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और सपा के बीच है। ऐसे में बाजी कौन मारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बार जो चांसेस हैं वो 50-50 वाले नजर आते हैं। इसके अलावा आम जनता पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई है, क्योंकि पहले कोरोना आया, उसके बाद लॉकडाउन जैसे हालात हुए जिसकी वजह से लोगों का रोज़गार छिन गया, लोगों का व्यवसाय छिन गया, तो ऐसे में नाराज़गी है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कहती है, जो सत्ताधारी पार्टी है, कि इस कोरोना काल की वजह से हम विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, आम जनता से जब हम बात करते हैं तो आम जनता यही कहती है कि इन 2 सालों में उन्होंने बहुत कुछ झेला है। देखिए, पहले कोरोना आया, उसके बाद लॉकडाउन जैसे हालात हुए, कईयों के रोजगार चले गए, कईयों की नौकरियाँ चली गई, कईयों के व्यवसाय ठप पड़ गए, रेहड़ी पटरी वाले जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो ऐसे में सरकार ही समझाने की कोशिश करती है कि 2 सालों में इसलिए विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना काल था। तो कब तक सरकार ये कहती रहेगी कि कोरोना काल की वजह से हम विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं? कोरोना काल की वजह से विकास नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर रेहड़ी पटरी बंदारों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका बेरोजगार हो गए, कहीं ने उठा करके गलत कदम उठाए, लोगों ने फांसी तक को मौत के लगा करके अपनी जीवन लीला को समाप्त किया, इसलिए क्योंकि उनके पास 2 वक्त खाने की रोटी रखने थी। उसके बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की योजना चलाई राशन वितरण की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राशन वितरण के साथ ही लोगों को बिजली, पानी और भी कई अन्य सामान की वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, जो सरकार कहीं ना कहीं मुहैया नहीं करा पा रही है। अगर वहीं प्रधानमंत्री ने एक अच्छी पहल की, जो रेहड़ी पटरी दुकानदार है उनको 10,000 रुपए तक का लोन, एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के। जो सरकार ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लेकर के जो सुविधा दी है, चाहे वो पटरी दुकानदार हो या ठेला लगाने वाला हो, उसके लिए जो 10,000 रुपए का लोन दे करके लोगों को रोजगार में, एक ये भी एक अहम मुद्दा होगा इस बार विधानसभा चुनाव के, कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ये सब लोग का वोट रहेगा। बिल्कुल हिमांशु, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की मैं बात करूं, देखिए लखनऊ क्योंकि प्रदेश की राजधानी है तो ऐसे में आसपास के जो जिले हैं वो पूरी तरह से निर्भर रहते हैं लखनऊ पर, कि अगर वहां पर अच्छे अस्पताल नहीं हैं तो लखनऊ में अच्छे अस्पताल हैं वहां पर उनका इलाज आसानी से हो सकता है। लेकिन कई बार हमने लोगों को देखा है रोते हुए बिलखते हुए कि उनके जो मरीज है उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, कई बार नंबर नहीं आता, कई बार बड़े कॉन्टैक्ट्स नहीं होते उनके पास, इस वजह से उनका इलाज नहीं हो पाता है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि मोटी रकम भी देनी पड़ती है, फीस जमा करनी पड़ती है। तो ऐसे में इस दुविधा से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम यहाँ पर उठाए हैं जिससे जनता खुश है? सरकार ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के, सरकारी अस्पताल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा की गई, लेकिन उसके बाद भी जिनका स्कोर है, जिनका पैसा सिर्फ उन्हीं को इलाज मुहैया कर पा रहे, जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इलाज नहीं करा पा रहे। तो ये सरकार की एक नाकामी है, जो स्वास्थ्य सेवा भी जनता तक नहीं पहुँचा पा रही है, क्योंकि अगर आपके पास सोर्स नहीं है, अगर आपके पैसा नहीं तो आपको इलाज कराना सरकारी अस्पताल में मुमकिन नहीं है। अगर हम वही प्राइवेट अस्पताल की बात कीजिए तो प्राइवेट अस्पताल
इतने हद तक इतना बिल दे देता है तो आदमी ना जा करके भी अपना इलाज वहां पर नहीं करा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा भी ठप है इस बार। बिल्कुल, और इसके अलावा जो वहां पर क्राइम का ग्राफ है वो कैसा है, क्योंकि लखनऊ में भी रोजाना खबरें सामने आती रहती है, एक ना एक जो अपराध हैं वो बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल, अगर अपराध की बात की जाए तो दो साल से जब से कमिश्नरेट लागू हुए तो कहीं ना कहीं अपराध पे लगाम लगा है, अपराध काफी हद तक कम हुआ है, क्योंकि अपराध की बात की जाए काफी गैंगस्टर लोगों को लगा करके जिला बदर भी किया गया, अपराध कहीं ना कहीं कुछ श्रेणी में कमिश्नरेट लगने के बाद अपराध में कमी आई है। लेकिन अगर वही चुनाव के समय की बात की जाए तो इस समय चुनाव में आप लगातार खबरें देख रहे होंगे, लगातार चुनाव में जो पैसा है वो लगातार चुनावों में लोगों की चेकिंग के दौरान पैसा निकल रहा है। तो हिमांशु, ये हम समझे कि एक चीज बहुत बेहतर हुई है कि क्राइम का ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे आया है, ये हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो इससे जनता क्या खुश है कि क्राइम तो एटलीस्ट कम हुआ है? बिल्कुल, से कुछ जनता कुछ हद तक सही है, महिला उत्पीड़न की बात की जाए चाहे घरेलू हिंसा की बात की जाए या क्राइम की बात की जाए तो कहीं हद तक क्राइम तो कम है, इससे जनता कुछ प्रतिशत खुश है, लेकिन अपराध एक बड़ा मुद्दा नहीं, बड़ा मुद्दा है विकास और रोजगार को लेकर के, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। लखनऊ की जनता विकास और रोजगार चाहती है, ये जो मेन मुद्दा है इस बार। लखनऊ की जनता चाहती है कि चुनाव इसी पर हो, तो मन बना चुकी है जनता, तो ऐसे में हम क्या समझे मानसो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रोजगार यहाँ पर लोगों को नहीं मिला है, विकास यहाँ नहीं मिला है, तो यहाँ लखनऊ में बीजेपी आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी आती है कि नहीं आती, क्योंकि बीजेपी के बाद काटे टक्कर समाजवादी पार्टी से देखी जा रही है और एक असमंजस बना है सभी प्रत्याशियों में, क्योंकि अभी तक दोनों ही पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार लखनऊ के 9 विधानसभा में किसी भी विधानसभा से घोषित नहीं किए, अब प्रत्याशी के बल पर चेहरे पे भी चुनाव होगा, क्योंकि कुछ प्रत्याशी जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, समाज सेवा से लगे हुए, अगर कोई भी पार्टी उन प्रत्याशी को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी विजय होगा, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो सकता है कि कौन प्रत्याशी हो सकता है जो चुनाव लड़ करके अपने को विजय को हासिल करेगा। विधायक से आम जनता कितनी खुश है, वहाँ के जो विधायक है क्या आम जनता तक पहुँचते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, या सिर्फ अपने घर में बैठे रहते हैं और वहीं से हुकूमत चलाते हैं? देखिए, कुछ विधायक जो है वो जनता के बीच में उतर के काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ विधायक तो एकदम कुछ विधानसभाओं से एकदम लापता है, लोगों का कहना है कि हमारे विधायक लापता है, पूर्व में लापता के विधायक की पोस्टर भी लग चुके, विधायक ने चुनाव जीतने से पहले तो वादे किए थे लेकिन चुनाव के विधायक नजर नहीं आए, सिर्फ घर पे बैठ के काम करते हुकूमत चलाते आए, लेकिन कुछ विधायक सड़कों पर उतर के जनता के बीच में जाकर के समंजस बनाए, लोगों को समाज सेवा उतर रहे, लेकिन ज्यादातर विधायक अपने घरों में बैठे हैं और कोई भी कार्य करते नजर नहीं आ रहे। लेकिन साफ तौर पर यह भी मतलब जो विकास निधि है, जो विधायक निधि आई थी लगातार, वो विधायक निधि लोगों ने विधायकों ने खर्च किए बताया है, किसी के पास कुछ चंद रुपए ही बचे हैं, बाकी सारा पैसा विकास में लगाया है। अब देखने वाली बात होगी, विकास तो हुआ नहीं, विकास सिर्फ कागजी कार्रवाई हो तो ये पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है जनता के लिए। बिल्कुल हिमांशु, इसके अलावा जो विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जो जनता तक पहुंचते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जनता तक नहीं पहुंचते, जो जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपने क्या उन विधायक से बातचीत की, आखिर वो क्यों नहीं जा रहे हैं, जब उन्होंने 5 साल ये शपथ ली थी कि वो आम जनता के बीच जाएंगे, आम जनता की सुनेंगे, आम जनता के लिए काम करेंगे, विकास करेंगे अपने क्षेत्र का, तो फिर वो क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? तो मेरे सहयोगी से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन हम दोबारा से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो लखनऊ के हालात कैसे हैं ये हमने जाना है, कुछ विधायक ऐसे हैं जो आम जनता तक पहुंचते हैं, वहां के आम जनता को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कितना विकास उनके क्षेत्र में हुआ है, ये कोशिश करते हैं देखने के, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अपने घर पर बैठे बैठे हुकूमत चलाते हैं, तो ऐसे विधायकों को लेकर आम जनता मन बना चुकी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि इस बार जनता पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से ये समझ चुकी है कि आखिर क्या हो रहा है और किस पर उन्हें वोट देना चाहिए और किस पर नहीं देना चाहिए। तो एक बार फिर मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए। हिमांशु, मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी, जो विधायक नहीं जाते हैं आम जनता के पास,
उनको लेकर क्या आपने बातचीत की है आम जनता से, और खुद आप क्या विधायक के पास पहुंचे? आखिर वो क्यों नहीं जाते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों इन 5 सालों में वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए हैं? विधायक लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लोगों ने अपने प्रत्याशी जो विधायक 5 साल से लगातार उम्मीदवार बने हुए विधायक बने बैठे, जनता उनको अभी तक मैं जानती तक नहीं थी, वो उनको पोस्टर में देखा है ना कि सामने से विधायक को देखा है, तो कहीं ना कहीं विधायक लापता है क्षेत्र से, इसी चक्कर में विकास नहीं हो पाए। क्योंकि अगर विधायक को क्षेत्र में उतरे, लोगों की जनता के बीच में जनता की समस्याओं को सुने, तो जनता अपनी समस्याओं को बताए कि तभी विकास हो सकता है। लेकिन अगर विधायक की बात की जाए, विधायक सिर्फ घर में बैठी हुकूमत चला रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं विकास इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है। अगर विधायक की बात की जाए तो विधायकों को कहना कि ये लगी लगातार कागज है जिसपे विकास हुआ है, लेकिन वो विकास सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई पे हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बूंद भी विकास देखने को नहीं मिला, चाहे वो बक्सरसरा विधानसभा हो या मलियाबाद विधानसभा हो, चाहे वो सरोजनी नगर विधानसभा हो, तीनों विधानसभा ग्रामीण क्षेत्रों की अहम विधानसभा है और काफी बड़ा क्षेत्र आता है, इन किसी भी क्षेत्र में विकास की स्थिति कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल हिमांशु, इसके अलावा ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगी कि पिछले दिनों हमने देखा है कि जो पुलिस की छवि है वो आम जनता के बीच काफी खराब हुई थी, क्योंकि कुछ ऐसे कारनामे पुलिस के सामने आए थे जिसकी वजह से आम जनता कहीं ना कहीं पुलिस से रुष्ट थी, तो क्या वो अब छवि धीरे धीरे ठीक हुई है, क्या विश्वास जता रही है जनता? जी बिल्कुल साफ तौर पर बता दे तो शहरी क्षेत्रों में तो कुछ हद तक पुलिस की छवि ठीक हुई है, लेकिन अगर वही ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की छवि अभी भी धूमिल है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रिपोर्ट लिखवाने से लेकर के अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की काफी दूरी का सामना करना पड़ता है, उसके बाद भी कई बार उनको न्याय नहीं मिल पाते, तो उनको मजबूरन कोई ना कोई विधानसभा के सामने चाहे आत्मदाह का कदम हो या कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने को मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक धूम कभी खराब होती नजर आ रही, कहीं ना पुलिस में एक सवाल निशान हो लगता है, क्योंकि जिस काम के लिए उनको रखा गया प्रशासन को मुस्तैद किया गया है, प्रशासन उनकी जनता की सेवा नहीं कर पा रही। चलिए ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए और कैसे हालात हैं ये बताने के लिए। तो लखनऊ में मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है, कुछ लोग हैं जो खुश हैं विधायक के कामों से, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से रुष्ट हैं। ऐसे में अब 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, देखना होगा कि लखनऊ की जनता ने आखिर किस पर मुहर लगाई है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।